आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। गाजीपुर सदर कोतवाली इलाके के पोस्ता घाट गंगा घाट पर एक ही घर के तीन युवक गंगा में डूबे। तीनों युवक चचेरे भाई हैं, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में डूबे। अपने बाबा के अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों के साथ शमशान घाट आए थे। अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान करने पोस्ता गंगा घाट आए थे। शराब के नशे में पहले से डूब रहे युवक को बचाने के चक्कर में तीनों चचेरे भाई डूबे। सभी डूबने वाले युवक मऊ जनपद के थाना सराय खंसी के जैसनपुर गांव के रहने वाले। पुलिस की टीम मौके पर, गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। सदर कोतवाली के पोस्ता गंगा घाट पर हुआ हादसा। नाम बता मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, पूरी घटना कैसे हुई है? क्या के रहने वाले हैं और कैसे यहाँ हादसा हुआ? हम लोग ग्राम जैसीपुर थाना सराय लखनसी जनपद मऊ के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी का कल स्वर्गवास हो गया था। उनका अंतिम क्रिया करने के लिए आज हम लोग आए थे। अंतिम क्रिया करने के उपरांत नहाने का कार्यक्रम होता है, उसको नहाने का कार्यक्रम हम लोग कर ही रहे थे। इसी बीच एक आदमी डूब रहा था, उसको बचाने के चक्कर मेरा भतीजा नितिन सिंह पहले कूद गया। फिर जब वो डूबने लगा तो उसको बचाने के लिए आकाश सिंह कूद गया। उसको बचाने के लिए फिर विशाल सिंह कूद गया। अब जो लड़का पहले से डूब रहा था वो तो बाद में किसी तरह से बाहर निकल आया, लेकिन ये तीनों बच्चे पानी की गहरी धारा में बहते चले गए। क्या अभी तक कुछ सफलता मिली? पुलिस की टीम आई है कुछ? हाँ, अब गोताखोर की टीम आ गई है और प्रयास कर रही है, उनको ढूंढने की कोशिश जारी है। ये तीनों लोग भाई हैं सर की मतलब एक मेरे बड़े भाई साहब का लड़का है, छोटे भाई साहब का लड़का है, एक ही परिवार के तीनों सदस्य और एक चाचा के लड़के का लड़का है, तीनों मेरे भतीजे। सर, आज पोस्ता गंगा घाट पे किस तरह का हादसा हुआ है और क्या जानकारी है? सर, जैसी सूचना प्राप्त हुई कि मऊ के सराय लखनसी थाने से जयसिंहपुर ग्राम सभा है, बता रहे हैं कि शिव सागर सिंह उम्र 77 वर्ष थी, उनकी डेथ हो गई थी। उनका दाह संस्कार करने लोग यहाँ आए थे और दाह संस्कार करते इसी पोस्ता घाट पे स्नान कर रहे थे। उसी में तीन बच्चे आकाश, नितिन और विशाल, ये तीन बच्चे यहाँ पे एक एक करके एक दूसरे को बचाने के प्रयास में डूब गए हैं और बाकी टीम आई है, प्रयास कर रही है ढूंढने में। सर, ये जो तीनों डूबे हैं मतलब किसी को बचाने के प्रयास में डूबे हैं या कैसे, क्या हुआ? अभी जैसा यहाँ के मौके पर लोग बता रहे हैं, ये कोई लोकल व्यक्ति था जो नशे में था और यहाँ तैर रहा था आसपास, वो डूबने लगा, उसी को बचाने के चक्कर में बच्चे एक एक करके गए। और दो बच्चों की उम्र 18 साल है, एक की 21 साल। गोताखोरों की टीम लगाई गई है, क्या यहाँ तक सफलता मिली है? पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी।